हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर सेवन की पांचवी हेडिंग। आप पढ़ रहे हैं चैप्टर सेवन, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के बारे में। जीव विज्ञान का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें पिछले वीडियो में हमने आपको कॉकरोच के बारे में, उसका मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी कंप्लीट हो चुका था। आइए एक नया एनिमल शुरू करते हैं, मेंढक के बारे में। कॉकरोच और अर्थवर्म, यह दोनों आप जो है नॉन कॉर्डेट और कशेरुकी का पढ़े थे। अब आपको मेंढक पढ़ाया जा रहा है जो कशेरुकी का प्राणी है, ठीक है, यह आपका कॉर्डेट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेंढक के बारे में। तो आप ध्यान से इसको समझिएगा। मेंढक वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करते हैं, ठीक है। तो मेंढक जो है एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसा प्राणी है जो मीठे जल में पाया जाता है, ठीक है, तालाब में, नदी में, ठीक है, झील में, अर्थात मीठे जल में, समुद्र जल में नहीं, मीठे जल में, और धरती जमीन पर दोनों पर निवास करते हैं तथा कशेरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग से संबंधित होता है, ठीक है। तो मेंढक जो है किस संघ का प्राणी है? कशेरुकी का है, वर्टिब्रेट है, और उसमें किस वर्ग का है? एम्फीबिया का है। क्लास क्या है? एम्फीबिया, ठीक है। तो मेंढक वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है, इसीलिए इसको एम्फीबिया कहा जाता है, और यह कशेरुकी संघ से संबंधित होता है। भारत में पाए जाने वाली मेंढक की सामान्य जाति राना टिग्रिना है, ठीक है। भारत में जो मेंढक की सामान्य जाति पाई जाती है उसका क्या नाम है? राना टिग्रिना। इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मेंढक के शरीर का ताप स्थिर नहीं होता है। शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे वातावरण का ताप चेंज होगा उसी तरह से मेंढक के शरीर का ताप भी परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी या अनियत तापी कहते हैं, ठीक है। जब शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहे तो ऐसे प्राणियों को असमतापी कहा जाता है या अनियत तापी कहा जाता है। मेंढक के रंग को परिवर्तित होते हुए आपने अवश्य देखा होगा, ठीक है। मेंढक का जो कलर है वह चेंज होता रहता है। मेंढक के रंग को परिवर्तित करते हुए आपने अवश्य देखा होगा जिस समय ये घास और नम जमीन पर होते हैं, ठीक है। जब मेंढक जो है घास या नम जमीन पर होते हैं तो उनके रंग में क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, देखें ध्यान से। उनमें अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है, ठीक है। तो मेंढक में यह क्षमता होती है कि वह अपने रंग को बदल सकते हैं जिससे वे अपने शत्रुओं से बच जाते हैं। तो उनमें अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है जिसे छद्मावरण कहा जाता है, ठीक है। इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन क्रिया को अनुहरण कहते हैं, ठीक है। तो रक्षा के लिए, शत्रुओं से बचने के लिए जो रंग परिवर्तन की क्रिया हो रही है इसे क्या कहा जाता है? अनुहरण कहा जाता है, मिनिमिक्री कहा जाता है। आपने यह भी देखा होगा कि मेंढक शीत और ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते हैं। मेंढक जो है वह शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में दिखाई नहीं देते हैं। इस अंतराल में ये सर्दी तथा गर्मी से अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढों में चले जाते हैं, ठीक है। तो मेंढक जो हैं वह ठंडी में और गर्मी में नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। और इस समय ये सर्दी और गर्मी से अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रमशः शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन और ग्रीष्म निष्क्रियता एस्टिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो ग्रीष्म में गड्ढों में चले जाना ग्रीष्म निष्क्रियता एस्टिवेशन कहलाता है, और शीत ऋतु में गड्ढे में चला जाना
शीत निष्क्रियता हाइबरनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आप मेंढक के बारे में पढ़ रहे हैं, वर्टिब्रेट्स के प्राणी के बारे में पढ़ रहे हैं, मेंढक। इसमें आपने देखा कि मेंढक जो है वह प्राणी है जो मीठे जल तथा धरती दोनों पर निवास करता है तथा कशेरुकी संघ के एम्फीबिया वर्ग से संबंधित होता है। ठीक है, भारत में पाए जाने वाली मेंढक की सामान्य जाति राना टिग्रिना है। इसके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता है। ठीक है, मेंढक के शरीर का ताप स्थिर नहीं होता है। शरीर का ताप जो है वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी या अनियत तापी कहा जाता है। ठीक है, मेंढक में रंग को परिवर्तित होते हुए अपने अवश्य देखा होगा जिस समय ये घास तथा नम जमीन पर होते हैं। उनमें अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता होती है जिसे छद्मावरण कहा जाता है। ठीक है, इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन की क्रिया को अनुहरण कहते हैं, मिनिमिक्री कहते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि मेंढक शीत और ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते हैं। मेंढक जो है वे शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते हैं। इस अंतराल में ये सर्दी और गर्मी से अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढे में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रमशः शीत निष्क्रियता और ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं, हाइबरनेशन तथा एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, तो यह था मेंढक के बारे में सामान्य परिचय के बारे में। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इसके बाह्य आकार की के बारे में। थैंक यू।